दिल्ली में गुलेल गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में गाड़ियों के शीशे तोड़कर महंगे सामानों पर हाथ साफ करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने 17 लैपटॉप और 17 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने लड़कियों के लिए जारी ड्रेस कोड के निर्णय को वापस न लेने पर कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के ट्रस्टी को पीटने की धमकी दी है। झारखंड के बोकारो में मामूली कहासुनी को लेकर 2 लोग पुलिस की मौजूदगी में ही आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस वाले दोनों को पकड़कर थाने ले गए। पटना के नजदीक बाढ़ में गंगा में नहा रही महिला का रेप कर वीडियो वायरल करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अब भी फरार है। मुंबई लोकल में चलती ट्रेन से गिरने से बाल बाल बची एक लड़की का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दूसरे ट्रैक से अचानक आई तेज गति की ट्रेन के कारण लड़की का बैलेंस बिगड़ता दिख रहा है। यूपी के हरदोई में पुलिस ने चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 10 बाइक बरामद हुई है। दिल्ली के तैमूर नगर में युवक की गोली मारकर हत्या के बाद मचे बवाल के मामले में दिल्ली पुलिस ने SHO समेत 2 को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि 3 बीट स्टाफ को निलंबित कर दिया। यूपी के वृंदावन में साधु के भेष में आश्रमों में घुसकर चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने 65,000 नकद और 1 सोने की अंगूठी के साथ गिरफ्तार किया। भोपाल में मोटरसाइकिल की एक एजेंसी में चोरी करने के लिए घुसा एक चोर भागने के दौरान लिफ्ट के तार में हाथ फंस जाने से बुरी तरह से घायल हो गया। बिहार के छपरा में ज्योतिया पूजा के लिए व्रतियों के साथ गंगा में स्नान करने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपहरण के बाद फिरौती की रकम नहीं मिलने से एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के सिवान में पुलिस ने जाली नोट छापने की मशीन और 4,55,000 के नकली नोट के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया।